स्कूल स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो जो डेवलप हुआ था वो हुआ था आपका अकबर के टाइम पे, ठीक है। ठीक है, और जहांगीर के टाइम में क्या डेवलपमेंट हुआ था? आर्ट का डेवलपमेंट हुआ था, और शाहजहां के टाइम में आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। तो मनसबदारी जो था, ये सिस्टम जो है अकबर ने डेवलप किया था। अकबर इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड मनसबदारी। मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय अकबर। ये अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। द टर्म ऑफ मनसबदार रिफर्स टू इंडिविजुअल हु होल्ड अ मनसब। ठीक है, मनसबदार क्या होता है? एक व्यक्ति होता है, एक इंडिविजुअल होता है जो मनसब को होल्ड करता है। दैट इज अ पोजीशन और रैंक इन द ऑफिशियल हायरार्की की उसकी ऑफिस में क्या रैंक है। देखिए, आप पहले से आपके स्कूल में होते हैं तो आपके स्कूल में आपके स्कूल में पियोन से लेके और आपके प्रिंसिपल तक होते हैं, तो हर किसी की पोजीशन अलग होती है। ठीक है, पियोन की पोजीशन अलग होती है, उसकी सैलरी भी अलग होती है। फिर उसके बाद आपके असिस्टेंट टीचर आते हैं और अकाउंटेंट आते हैं, क्लर्क्स आते हैं, फिर आपके प्रिंसिपल आते हैं। तो इन सब की क्या होती है, सब लोग अलग अलग रैंक के होते हैं। ठीक है, तो ये इन सब की जो सैलरी है वो भी क्या होती है, अलग, सबकी डिफरेंट होती है। इसी तरीके से होता है, एक मनसबदारी सिस्टम होता है। ऑल दोज हु ज्वाइंड द मुगल सर्विस वाज इनरोल्ड एज मनसबदार। ठीक है, जो भी मुगल लोगों की वहाँ जो भी सर्विस करता है ना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मनसबदार। दिस वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स। ठीक है, ये ग्रेडिंग का जो सिस्टम था वो किसने स्टार्ट किया था? मुगल्स ने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें थ्री रैंक्स होती है, थ्री मुगल्स के मतलब ग्रेडिंग सिस्टम में थ्री पार्ट्स होते थे। फर्स्ट होती थी रैंक, मतलब वो किस रैंक का है, जैसे कि आपके यहाँ रैंक होती है ना, आपकी प्रिंसिपल जो है वो सबसे हायर रैंक पे आते हैं। ठीक है, सैलरी, तो उनकी सैलरी भी सबसे ज़्यादा होगी, और मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी, और उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसी तरीके से आप समझिए कि जो अकबर का जो कोर्ट होता है, जब ये जो मुगल एम्पायर है, अकबर है जैसे मान लीजिए, तो वो इतना बड़ा एम्पायर अकेले तो संभाल नहीं पाता, तो वो क्या करता है, मनसबदार बना लेता है। ठीक है, तो उस उनकी जो है, उन सबको जैसे उनकी अलग रैंक होती है, सैलरी अलग होती है, मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी अलग होती हैं। जो मानसिंह थे ना, ठीक है, मानसिंह भी कहते हैं एक मनसबदार थे। ठीक है, वो सबसे हायर रैंक पे थे। द रैंक एंड द सैलरी ऑफ मनसबदार वर डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। ठीक है, जो रैंक और जो सैलरी होती है मनसबदार की, जैसे हमारे यहाँ तो पैसे रुपीज होते हैं, ठीक है, जो सैलरी होती है वो नंबर्स में होती है, तो एक न्यूमेरिक वैल्यू होती थी जिसे हम बोलते थे जाट। ठीक है, हायर द जाट, जिसकी जाट ज़्यादा होगी, मतलब जिसकी सैलरी ज़्यादा होगी, मोर प्रेस्टीजियस वाज ऑफ द नोबल पोजिशन इन द कोर्ट, वो सबसे ऊंची पोजिशन पर होगा कोर्ट में, एंड लार्ज हिज सैलरी, और उसकी सैलरी भी सबसे ज़्यादा होगी। इन अकबर राइन रिगेन रेन देयर वार 29 मनसबदार विद अ रैंक ऑफ 5000 जार। जो अकबर था उसके टाइम में, जब अकबर के टाइम पे था, सारी बागडोर अकबर के हाथ में थी, अकबर का एम्पायर था, तो 29 मनसबदार थे अकबर के टाइम पे। ठीक है, और उनकी जो सैलरी, जो उनकी रैंक थी, वो कितनी थी? 5000 जाट थी। ड्यूरिंग औरंगजेब रिगाइन द नंबर ऑफ मनसबदार वाज हैज इंक्रीज। और औरंगजेब के टाइम में ये जो है इंक्रीज होकर कितने हो गए थे आपके? 79 हो गए थे। ठीक है, इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर द मुगल टू रिक्रूट मनसबदार फॉर डाइवर्स बैकग्राउंड एंड नॉट जस्ट तुर्निश वाज एंड ईरानीज। ये जो मुगल्स थे, इनके जो भी मनसबदार होते थे, वो जरूरी नहीं है कि हाँ वो तुर्कीज हो या ईरानीज हो। मोस्टली क्या हुआ था, जब स्टार्टिंग हुई थी ना एडमिनिस्ट्रेशन की, जब बाबर का टाइम था, तो बाबर तो तुर्क से आया था, तो जितने भी उसके कोर्ट में, उसके दरबार में जितने भी मनसबदार थे, वो सब कौन होते थे? तुर्कीज और ईरानीज होते थे, क्योंकि वो लोग उसके साथ आए थे। लेकिन जैसे ही अकबर का टाइम आया, शाहजहां का, जहांगीर का, तो इनके जो रिलेशन थे, जो राजपूत राजाओं थे, राजा थे हमारे इंडियन में, इंडिया के और भी जो मराठा वगैरह थे, इनसे अच्छे फ्रेंडली, मतलब इनके रिलेशन रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्हें अच्छी पोस्ट दे दी थी अपने दरबार में, जैसे कि आपके राजा टोटल मल थे, राजा मानसिंह थे, तो ये सब कौन थे? मनसब राजा मानसिंह जो थे वो मनसबदार थे, तो उन्हें अच्छी पोस्ट मिली हुई थी वहाँ पे। तो ऐसा नहीं था कि इनके जो सारे मनसबदार होंगे वो तुर्कीज या ईरानीज लोग ही होंगे, वो हिंदू भी होते थे। दे रिक्रूटमेंट मनसबदार फ्रॉम इंडियन मुस्लिम, वो इंडियन मुस्लिम भी हो सकते थे, अफगान, राजपूत, मराठा एंड अदर ग्रुप ऑफ पीपल का कोई और ग्रुप भी हो सकता था। बस उनके वर्क पर डिपेंड करता था, वो उनका वर्क कैसा है, वो राजा अपने किंग के प्रति कैसे, ऑनेस्टी कैसी है, रॉयल्टी कैसी है उनकी, तो उसके अकॉर्डिंग उनको वर्क दिया जाता था, मतलब उनको मनसबदारी में दी जाती थी। जो ज्यादा विश्वास वाले होते थे, ठीक है, उनको मनसबदारी दी जाती थी। दे रिसीव देयर सैलरी जनरली टू असाइन ऑन
द लैंड ऑफ द लैंड का जागीर, तो उन्हें जो सैलरी लेती थी वो कहाँ से मिलती थी, जागीर से, उन्हें जागीर दे दी जाती थी, इससे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। द मनसबदार ओनली हैड राइट टू द रेवेन्यू टू देयर असाइनमेंट। तो वो क्या करते थे, वो मनसबदार जो होते थे क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और वही क्या होता था, जो सैलरी मिलती थी ना उनको उस रेवेन्यू के थ्रू मिलती थी। दे कलेक्ट थ्रू देयर सर्वेंट, जो है वो अपने सर्वेंट जो भी होते थे उनसे क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे अपने सर्वेंट के थ्रू। द मनसबदार हैड टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार एंड कैवलरी मैंस। ये क्या करते थे मनसबदार जो थे मिलिट्री में, जो के जो मनसबदार होते थे, ये क्या करते थे कि जो इनकी सवार होते थे, जो घुड़सवार, मतलब जो सवार करते, जब फोर्स जाती थी, जब झगड़ा मतलब फाइट होती थी, कहीं अटैक करना होता था तो उसके लिए फोर्स की जरूरत होती थी, फोर्स जाती थी, तो उसमें कुछ क्या होते थे, घोड़े भी होते थे आपके, हॉर्स होते थे, सवार होते थे, उन्हें क्या बोलते थे, कैवलरी मैन, जो घुड़सवार होते थे, ठीक है, उनको मेंटेन करके रखते थे, उनका पूरा जो है ध्यान रखा जाता था, उनको भी सैलरी दी जाती थी, और जो घोड़े होते थे या हॉर्स होते थे उनका भी पूरा ध्यान रखा जाता था। तो हर मनसबदार के क्या होते थे, अलग अलग उनके, हर मनसबदार के पास ना अलग अलग क्या होते थे, कैवलरी मैन होते थे और उनके हॉर्स होते थे, ठीक है। द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, गॉट देम रजिस्टर्ड विद देयर हॉर्स ब्रांडेड एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज अ सैलरी। तो क्या होता था, ये इनके पास जो हॉर्स होते थे ना, वो क्या सब होते थे, उन पे क्या होता, ब्रांड लगा दिया जाता था, मतलब एक मोहर लगा दी जाती थी, जैसे कि बहुत सारे मनसबदार हैं उनके उनके जो है उनके कैवलरी मैन और उनके जो हॉर्स मिक्स ना हो, तो इसलिए उन्हें क्या कर दिया जाता था, उनके ऊपर मोहर लगा दी जाती थी, जैसे कि ये मानसिंह है तो ये मानसिंह के कैवलरी मैन है, ठीक है, ये उनके साथ 1000 घोड़े हैं या 1000 सवार हैं, अगर मान लो कहीं भी अटैक करना है तो क्या है, जो मानसिंह मनसबदार है उनको ऑर्डर दे दिया जाता था, और वो क्या करते थे, अपने घुड़सवारों को लेकर निकल जाते थे और जो है वहां पे अटैक कर देते थे। तो उसको उनके अकॉर्डिंगली जितने उनके पास कैपलरी मैन होते थे उनके अकॉर्डिंग उनको सैलरी भी मिलती थी, मतलब उनको खर्चा दिया जाता था, वो जो उनके हॉर्स के ऊपर खर्च होता है वो भी दिया जाता था, ठीक है। ड्यूरिंग द अकबर रूल, अकबर के टाइम पे द रेवेन्यू वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ मनसबदार, जो रेवेन्यू उतना ही कलेक्ट किया जाता था जितनी कि मनसबदार की सैलरी होती थी, ठीक है। अकबर के जी जहांगीर, इन्हें क्या मिलती थी, जागीर मिल जाती थी, तो उस जागीर में जो भी किसान वगैरह होते थे, पीसेंस वगैरह होते थे, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करके कर लिया जाता था। तो जो रेवेन्यू है वो केवल इतना ही कलेक्ट किया जाता था कि उन मनसबदार जो है उनकी सैलरी पूरी हो जाए। वेयर एज ड्यूरिंग द औरंगजेब रिगेन रेन टू रेवेन्यू यूज टू बी लेस देन द ग्रांटेड सम। तो लेकिन जब औरंगजेब थे का टाइम आया तो वहाँ पे जो रेवेन्यू था, ठीक है, वो ज़्यादा कलेक्ट किया जाने लगा। देयर वॉज इंक्रीज इन नंबर ऑफ मनसबदार विच मीन अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड अ जागीर। तो उससे क्या हुआ कि मनसबदार भी बढ़ा दिए गए, तो उससे क्या हुआ, जागीर जो थी बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी टाइम करना पड़ना, मतलब जागीर जो थी फिर वो भी डिवाइड हो गई। दिस फैक्टर क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर। तो उसमें जागीर की शॉर्टेज हो गई, जब मनसबदार बढ़ गए तो जागीर कम पड़ गई, ठीक है। सो मैनी जागीरदार ट्राई टू गेन एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल वाइल अ दे हैड अ जागीर। तो जो मनसबदार होते थे ना वो जागीर से मतलब बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे, क्योंकि क्या हुआ, जो मनसबदार बहुत ज़्यादा हो गए तो जागीर कम हो गई, जब जागीर कम हो गई उन लोगों के पास तो क्या, उन्हें क्या करना पड़ा, पीजेंट से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ा। और जब ज़्यादा रेवेन्यू इन्होंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया तो जो आप इनकी जो पीजेंट्री थी सफर अलॉट, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, जो किसान थे जो रेवेन्यू देते थे ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे औरंगजेब के टाइम में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था, क्योंकि उसने अपने मनसबदार तो बढ़ा दिए थे, जागीर कम हो गई थी, जब उनकी सैलरी कम पूरी नहीं हो पाती थी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। ये आपका आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, मनसबदारी सिस्टम जो था वो अकबर ने स्टार्ट हुआ था। आपका ये लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन के आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। थैंक यू।